सध्या आपल्या देशात कृषिपतीन संघाग सोसायट्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे, पण अनेक समस्यांना ते तोंड देत आहेत. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून या साऱ्या समस्या सुटू शकतात यासाठी संघटित होऊन समस्या मांडण्यासाठी राष्ट्रीय समावेश आयोजन करण्यात येणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे. संघटनांच्या समस्या संघटितपणे मांडण्यासाठी 1 आणि 3 डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सुमारे 10,000 भारतातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. राज्यातील सहकारी कृषिपतीन संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्या केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी सहकार भारती, कर्नाटक राज्य सहकारी कृषिपतीन संस्था बेंगळूर आणि कर्नाटक राज्य सौहार्द संयुक्त सहकारी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहकार्याने हे चलो दिल्लीचे 5वे वर्ष साजरे होत आहे. केंद्रीय गृह व्यवहार आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांना या सत्रात व्याख्यान व मार्गदर्शनासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कृषिपतीन संस्थांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल असे पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय संयोजक निर्देशक डॉक्टर संजय यांनी सांगितले. आत्मीय मीडिया वालों का मेरा अभूतपूर्वक वंदन. मेरे साथ सरकार पार्टी का मुख्य बेळगाव जिले का मुख्य सुधाकर जी है और मेरे सहपाठी तमन्ना कैंसरेड्डी सौहार्द से गंगाराम और बेळगाव यूनियन से हालप्पा जटनौर है. आज का ये प्रेस मीट का मेन उद्देश्य राष्ट्र में जो कितना क्रेडिट सोसाइटीज जो है उसको मिलन करके मीन्स एक तरह हो के टोटल राष्ट्र में हमारा अमित शाह जी इज अ कोऑपरेटिव मिनिस्टर, सेंट्रल कोऑपरेटिव मिनिस्टर, कॉमन नेशनल पॉलिसीज के बारे में चिंतन मंथन करने का एक अधिवेशन, बहुत बृहत अधिवेशन दिसंबर 2 और 3 को हम दिल्ली में कर रहे. उसका मेन नेतृत्व सहकार भारती ने किया है. उनके साथ हम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन बेंगलुरु और कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव सौहार्द सब लोग मिलके ये इवेंट कर रहे हैं. मेन इसका उद्देश्य जो हमारा रोज का क्रेडिट सोसाइटी जो चलाता है ना, रोज इसमें जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं लाइक इनकम टैक्स, लोन रिकवरी, इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके हमारा डिपॉजिटर्स को, अभी आप देख रहे राज्य में या राष्ट्र में कितना क्रेडिट सोसाइटीज़ को तकलीफ हो रहा है लोन रिकवरी करने में. लोन रिकवर नहीं हुआ तो उनका डिपॉजिटर्स को वापस डिपॉजिट्स देने को नहीं हो रहे, इसीलिए हमको थोड़ा हमारा इनकम टैक्स का इश्यूज़ है. वो इनकम टैक्स इश्यूज सॉल्व करने के लिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन किया है. और अभी नेशनलाइज बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को सिविल स्कोरिंग कैसा है, वैसा सिविल स्कोरिंग हमारा क्रेडिट सोसाइटी को भी करने के लिए हम केंद्र सरकार को दबाव डाल रहे हैं. क्यों बोले तो वो करने के बाद बैंक्रप्सी होने का प्रपोर्शन बहुत कम होता है. अभी आप देख रहे कर्नाटका में कितना बैंक्रप्सी हुआ है, उसमें हमारा क्रेडिट सोसाइटी का डिपॉजिट्स बहुत है, हज़ारों करोड़ डिपॉजिट है. अगर वो हमको री इन्वेस्ट नहीं हुआ तो हमारा सोसाइटी को बहुत तकलीफ होता है. इसीलिए हमारा डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस स्कीम करने के लिए हम केंद्र सरकार को दबाव डाल रहे हैं. मीन्स वी आर प्रेशराइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव अस इनकम टैक्स फैसिलिटी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज टू अवर डिपॉजिटर्स एंड सिविल स्कोरिंग एंड लोन रिकवरी करने के लिए अभी नेशनलाइज बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को सरफेस एक्ट जो किया है ना, वैसा सा एक्ट हमको भी करने के लिए हम वी आर प्रेशराइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये सब तकलीफ से दूर आने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी अभी जो अमित शाह जी ने बना रहे वो किया, तो सब समझते अच्छी तरह से हेल्दी करके अपना काम करने के लिए ये होता है. इसीलिए हम थ्रू आउट इंडिया राष्ट्र में 10,000 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वालों ने December 2nd और 3rd दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं. Only in the betterment of the cooperative societies and Sauhard societies in the nation. I'm telling why means this is the first time in the history we all are meeting under one roof. Abhi
इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, मेनली इन कर्नाटका। कर्नाटका में 120 वर्ष का कोऑपरेटिव सेक्टर का इतिहास है, कर्नाटका में जो कोऑपरेटिव सेक्टर स्टार्ट हो गए। इसीलिए हमारा सब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हेल्दी हो के अपना काम करने के लिए ये अधिवेशन बुलाया है। इसीलिए सब मैं आपके माध्यम से सब हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर वालों को मैं इनविटेशन देके उनको रिक्वेस्ट करता हूँ टू बी मैक्सिमम पीपल टू अटेंड दैट अधिवेशन टू बी हेल्ड एट नवदुर्गा। संजय वसमत, डायरेक्टर कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फेडरेशन, बैंगलोर। या पत्रकार परिषदेमध्ये निर्देशक जगदीश कवडगीमड, तमन्ना कंचरट्टी, सुधाकर महिंद्रकर सह अन्य उपस्थित होते। महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव।